हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम संगीता है और मुझे प्लस टू स्कूल में, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में 9 ईयर्स का सोशियोलॉजी पढ़ाने का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और यूट्यूब में मैं कब लगभग 3 से 4 साल से जो सोशियोलॉजी का क्लास है उसको करवा रही हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको जो सिलेबस प्रोवाइड किया जाए, आपको जो नोट्स प्रोवाइड किया जाए, वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। देखिए, कोई भी जो एग्ज़ाम होता है उसका एक सिलेबस रहता है, उस सिलेबस को हम लोग को देखकर ही पढ़ना होगा। अब ये सरकार के ऊपर है कि वो उस सिलेबस को फॉलो करती है या अपने मन से दे देती है, लेकिन हम लोग तो सिलेबस के बाहर जा नहीं सकते। अभी जैसे आपको इस चैनल के माध्यम से डेली 2 क्लासेस हो रही हैं, एक मॉर्निंग के 8 बजे में हम लोग कवर कर रहे हैं BPSC 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और बिहार एस्टेट का जो फेज 2 का एग्जाम होने वाला है, जो नेक्स्ट आपको नवंबर में देखने को मिल सकता है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और रात के 8 बजे UP PGT का जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसको, अब मान लीजिए UP PGT का बोलिए, यूपी गवर्नमेंट का बोलिए या बिहार गवर्नमेंट का, उन्होंने अपना स्पेसिफिक सिलेबस दिया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना होगा। अब ये उनके ऊपर है कि वो उसका आउट ऑफ नॉलेज कर दें, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको जो नोट्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो ही, साथ ही साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी दूँ। जैसे BPSC 4.0 का जो आपको नोट्स मिलेगा वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा, प्लस उसमें आपको एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेंगे, 2000+ जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, और साथ ही साथ NCERT का चैप्टर वाइज आपको MCQ प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक चैप्टर का नेम मेंशन रहेगा, उससे रिलेटेड MCQ रहेंगे, जो कि आपको सारे PDF फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। अब पढ़ना काम आपका है। तो वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उसमें कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। आज का जो हमारा क्लास है ये UP PGT का क्लास नंबर 5 है, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र। अर्थात हम देखना चाहते हैं कि समाजशास्त्र में क्या क्या हमारे लिए स्कोप है, कैसे हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो समाजशास्त्र क्या करता है, किस चीज़ का अध्ययन करता है, जो समाज है, जो परिवर्तनशील समाज हो रहा है उसका कैसे अध्ययन कर रहा है, व्यवस्थित एक अध्ययन कर रहा है। क्यों अध्ययन कर रहा है, तो समाजशास्त्र के माध्यम से किया जा रहा है। इसलिए एक थिंकर है, हम लोग लिखते हुए चलते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, और ऐसे जो आपको नोट्स मिलेगा उसमें सारा ये चीज़ मेंशन है। तो एलेक्स इंकल्स कौन है, थिंकर है, नाम याद रखिएगा, एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु, उसकी जो विषय वस्तु की हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसकी विषय वस्तु की रूपरेखा को उन्होंने तैयार की थी। किस में तैयार की थी, तो उनकी जो पुस्तक थी, उनकी पुस्तक का नाम क्या था, व्हाट इज़ सोशियोलॉजी में ये उनकी पुस्तक का नाम है। इसमें उन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु की रूपरेखा उन्होंने रेडी की, रूपरेखा को क्या किया था, उन्होंने रेडी किया था। और रेडी करने के बाद उन्होंने समाजशास्त्र की 4 परिभाषाएं दी। कितनी परिभाषाएं दी, 4 प्रकार की उन्होंने परिभाषाएं दी उसको वर्णन करने के लिए। वे 4 प्रकार की परिभाषाएं कौन कौन थी, तो उन्होंने बताया कि हम समाजशास्त्र की विषय वस्तु के इसकी रूपरेखा को ऐतिहासिक माध्यम से वर्णन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो ऐतिहासिक माध्यम से इसका वर्णन करेंगे, इसका अनुभव के माध्यम से यानी अनुभाविक माध्यम से हम वर्णन करेंगे कि समाज में क्या घटनाएं घटित हो रही, कैसे घटित हो रही है, क्यों घटित हो रही है। ठीक है, और नेक्स्ट उन्होंने विश्लेषण के माध्यम से करेंगे। फिर इसी को इन्होंने 2 भाग कर दिया था। ठीक है, जिसके कारण ये 4 भागों में हम बोल सकते हैं इसकी, इन्होंने इसकी परिभाषाएं दी थी। तो जब इन्होंने विषय वस्तु के बारे में बात की, जब इन्होंने परिभाषा दी, तो विषय वस्तु के आधार पर समाजशास्त्र का जो विषय वस्तु है इसमें विभिन्न विद्वानों ने, किसने, तो विभिन्न विद्वानों ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 2 भागों में बांटा। ठीक है, कितने भागों में बांटा, तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु को
उन्होंने दो भागों में विभाजित किया। वे दो भाग कौन कौन से थे? पहला तो उन्होंने बोला कि जो समाज शास्त्र की विशेष वस्तु है वो स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत आएगी। कैसी आएगी? तो स्वरूपात्मक संप्रदाय को मानने वाले कुछ थिंकर्स हो गए, जिसको कि क्या बोला जाता है, विशिष्टात्मक संप्रदाय भी बोला है। स्वरूपात्मक यानी विशिष्टात्मक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। विशिष्ट मतलब समाज शास्त्र की जो विशेष वस्तु है उसको विशिष्ट माना जाना, क्योंकि स्पेशल सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, पर्टिकुलरिस्टिक सब्जेक्ट है, आप बोल सकते हैं फॉर्मलिस्टिक सब्जेक्ट है। कुछ कुछ थिंकर इसको मानने लगे। तो इस संप्रदाय के अगर प्रवर्तक बोला जाए कि इस संप्रदाय को सर्वप्रथम किसने इसकी व्याख्या की थी फॉर्मल स्कूल के बारे में, तो कौन हो जाएंगे? जॉर्ज सीमेल। बहुत बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो जॉर्ज सीमेल, ठीक है। और भी थिंकर हैं, जैसे इसी के अंतर्गत आपके मैक्स वेबर आ जाएंगे, ये सभी समाजशास्त्र को विशेष वस्तु मानते थे। टॉनी जा जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपके वानविज महोदय आ जाएंगे, उसके बाद आपके बोगल महोदय आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे थिंकर्स हैं। आप इसको फिर रॉस, पास, पार्क, बर्गर, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। रॉस, पार्क, बर्गर, ये सभी थिंकर हैं, ठीक है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, सीमे बीटा, सीमे बीटा, शॉर्टकट से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। सी से जॉर्ज सीमेल, एम से मैक्स वेबर, वी से वॉनविज, ट से टॉनिज। इस प्रकार से सीमे बीटा करके आप स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो जो जितने भी प्रवर्तक हैं उनको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो विषय वस्तु बताया गया वो क्या था? अब इसको तो समझ लिए ना कि स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या होता है। तो इस संप्रदाय के जो थिंकर थे वो क्या मानते थे कि समाजशास्त्र क्या है? एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान है, वो किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, ठीक है। और इसी के लिए जो वानविज और बेकर महोदय लोग सही होते, इन्होंने 650 समाजों का अध्ययन किया था। और 650 समाजों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र क्या है, एक विशेष विज्ञान है, ठीक है। और इसके आधार पर उन्होंने इसमें सभी चीज़ों के बारे में बात की। और नेक्स्ट जो संप्रदाय है वो है आपका समन्वयात्मक संप्रदाय, ठीक है। क्या है इस संप्रदाय का क्या नाम है? समन्वयात्मक संप्रदाय, यानी कि इसको बोला जाता है समन्वयात्मक संप्रदाय। इसको आपको बोला जाता है सिंथेटिक स्कूल। क्या बोला जाता है इसको? फॉर्मलिस्टिक स्कूल बोला जाता है, इसको सिंथेटिक स्कूल बोला जाता है। समन्वयात्मक जो संप्रदाय है इसमें इसके जो मेन थिंकर है वो कौन हो जाएंगे? सोरोकिन महोदय, जैसे जॉर्ज सीमेल इसमें हो गए हैं, तो इसमें इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आपके सोरोकिन महोदय हो जाएंगे, उसके बाद इमाइल दुर्खाइम हो जाएंगे, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। हॉब हाउस हो जाएंगे, गिंग्सबर्ज हो जाएंगे, ये सभी क्या मानते हैं कि जो समाज शास्त्र है एक विशेष विज्ञान नहीं है, बल्कि ये सामान्य विज्ञान है। और समाज की जो प्रगति है ये शरीर के समान है, और समाज और इसकी जो अंतर वस्तु है दोनों ही क्या है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है। इस हिसाब पे इन्होंने इसके बारे में बात की है, कौन? जो समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। सोरोकिन महोदय के अनुसार यदि विभिन्न सामाजिक विज्ञान N है, सोरोकिन महोदय ने अपनी परिभाषा देते हुए बताया था कि अगर जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं उनको अगर हम N माध्यम से दर्शाते हैं, किसके माध्यम से दर्शाते हैं? N के माध्यम से दर्शाते हैं, तो जो समाज शास्त्र है इसको हम N+1 के माध्यम से दर्शाएंगे। कैसे दर्शाएंगे? तो N+1 के माध्यम से हम इसको दर्शाएंगे, किसको? समाज शास्त्र को, यानी समाज शास्त्र की जो प्रकृति है ये सभी विज्ञानों के समान है, कोई ये स्पेशल सब्जेक्ट नहीं है। इस मत के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? तो सोरोकिन हो जाएंगे, आपके वानविज हो जाएंगे, आपके इमाइल दुर्खाइम हो जाएंगे, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो सिंथेटिक
स्कूल के अंतर्गत आप आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि समाज शास्त्र की जो विषय वस्तु है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में, कौन कौन सा, तो स्वरूपात्मक और संपन्न समन्वयात्मक। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो जॉर्ज सिमेर हो जाएंगे, और समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, तो सोडोकिन महोदय हो जाएंगे। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से हम लोग अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।